फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष है एंड पिछली बार वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कस किया था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या अच्छा होना चाहिए, कैसी कम्बिनेशन होना चाहिए। आज एक टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा जिसको हम कहते हैं पावर लेक। आप सबने सुना होगा, बहुत बार मेरे पास काफ़ी कॉल्स आते हैं लोगों का एंड आज की वीडियो स्पेशली एक्सपीरियंस पीपल जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में एंड जब वो कंपनी स्विच करने की बात करते हैं और एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे उनको चाहिए होती है पावर लेक। तो वो सबसे पहला सवाल यही होता है उनका कि सर क्या हमें पावर लेक मिलेगा। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि क्या पावर लेक देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो सबसे पहले देने से क्या होगा, नहीं देने से क्या होगा, मैं आपके साथ आज थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। आज से कुछ साल पहले एक मूवी आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आपने देखा होगा, जिसमें कि वरुण धवन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा दो हीरो होते हैं। वरुण धवन एक बहुत अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद होता है एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का होता है जो कि मेहनती होता है और अपना काम से काम रखने वाला बनता होता है। एक दिन एक पार्टी में, एक फैमिली पार्टी होती है जिसमें कि सारे लोग जाते हैं, तो वहाँ पे वरुण धवन का जो पापा जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा वो सिद्धार्थ को एक चीज़ कहता है कि बेटा तुम बहुत मेहनती हो, काश मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह समझदार होता। उसको लगता है कि हर चीज़ मिल जाती है आसानी से तो उसकी कदर करना नहीं चाहिए, लेकिन तुम बहुत मेहनती हो, तुम मेहनत ज़रूर करना। और आखिरकार मूवी के एंड में ऐसा होता है कि कॉलेज ख़त्म होती है, सब लोग गेट टुगेदर होते हैं आफ्टर 4-5-6 ईयर्स। तो ये देखा जाता है कि वरुण धवन जो एक बहुत बड़ा अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद था वो अभी भी अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा था। एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो घूम घूम के इधर उधर वो काम करता है, ढूंढता रहता है। लेकिन उसी वक्त सिद्धार्थ मल्होत्रा जो शायद कॉलेज के टाइम पे एक हम्बल बैकग्राउंड से था, जिसके पास शायद उतना सारा पैसा नहीं था, वो एक ऑडी में एंट्री करता है एंड उसकी लाइफ वेल सेट होती है। वो एक बहुत बड़े कंपनी का एक बहुत अच्छी पोजिशन में वो होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर कोई चीज़ मिली होती है तो अक्सर वो चीज़ वापस भी चली जाती है। मिली हुई चीज़ें वापस चल जाती है लेकिन कमाई हुई चीज़ें अपने पास रहती है। तो बहुत बार लोगों को लगता है कि अगर कोई चीज़ मिल जाएगा फ्री में तो वो बहुत अच्छा होगा हमारी फ्यूचर के लिए, जबकि वो बिल्कुल गलत सोच है। क्योंकि मान के चलिए कि आपको एक पावर लेक मिल गया। द डेफिनेशन ऑफ पावर लेक इज़ वेरी सिंपल, एक ऐसा लेक जिसमें मुझे काम करना ना पड़े, जिसमें कि ऑलरेडी बहुत सारा सेल्स या बिजनेस वॉल्यूम आता रहे और मैं बस दूसरे लेक में अपना काम करते रहूं या फिर बाकी लेक्स में मैं देखता रहूं, एक लेक मुझे फ्री में मिल जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लेक मिल जाता है, सबसे पहला सवाल यह है कि क्या वो नीचे वाले व्यक्ति आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप उनके ट्रस्ट हमेशा जीत सकते हो एज अ अप्लाई। अगर ये दोनों केस में जवाब अगर ना है तो वहां पे टीम बिल्कुल बनेगी नहीं, और जब टीम नहीं बनेगी कभी ना कभी एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे कि आपके और आपके उस फ्री वाले टीम में दरारें आएंगी और वहाँ के लोग आपसे शायद उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे जैसे आपको वो फ्री में मिला था। वो फ्री में चला भी जाएगा और उस दिन फिर आप हो जाओगे लंगड़े, मतलब एक लेग आपका चला गया। ठीक है, चलिए मान के चलिए वो आपको एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। सवाल मेरा अगेन आपसे ये है कि आप डुप्लीकेशन वाले बिजनेस में हैं, अगर आप फ्री लेक के साथ काम शुरुआत किए थे तो आपके साथ जितने भी लोग आएंगे उनको भी एक एक फ्री लेक चाहिए होगा, तो आप कितने लोगों को फ्री लेक दे सकते हैं, कितने लोगों को आप पावर लेक दे सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हो और मुझे अगर आपने डिमांड किया, सपोज मैंने आपको दे दिया एक पावर लेक, मैंने आपको दे दिया और आपके साथ 100 पीपल और आ रहे हैं, तो क्या मैं बाकी 100 लोगों को भी एक एक पावर लेक दे सकता हूँ क्या? आंसर इज नो। कल के डेट में आपके डाउनलाइन में जो लोग आएंगे उनको पता चलेगा कि उनका अपलाइन पावर लेक से शुरुआत किया था, वो भी आपसे डिमांड करेंगे, तो क्या आप उनको पावर लेक दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि पावर लेक की कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री एंड एज ए ऑर्गेनाइजेशन हर किसी को नुकसान पहुँचा रही है। और जितने भी लोगों को पावर लेक मिला था, मेरे जानने में कोई भी बंदा एग्जिस्ट नहीं कर रहा आज के डेट में, ना तो उस कंपनी में ना तो उस इंडस्ट्री में, बिकॉज पावर लेक फ्री में आता है और फ्री में चले भी जाता है, राइट? तो इतना ही कहना चाहूँगा कि पावर लेक से थोड़ा सा बच के रहिए, मेहनत करिए और उसके ऊपर आप अपना रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जिस चीज़ के ऊपर आपका मेहनत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपको उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखानी चाहिए।
तो जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, आई थिंक आपकी टीम भी इस चीज को समझ जाएगी, एंड उस चीज को अगर हमने डुप्लीकेट किया एक अच्छी एथिकल कल्चर को, तो शायद हमारी टीम में हर कोई इंसान मेहनती होगा, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, और यही आपको चाहिए पैसिव इनकम के लिए। अगर फ्यूचर में ऑटोमेटिक इनकम आप लेना चाहते हैं, तो आपके टीम को वैसा एजुकेशन दीजिए जिससे कि एक्चुअली में ऑटोमेटिकली इनकम आपका आएगा, एंड दैट इज विदाउट पावर लेग। मेहनत वाला लेग आप सबको बनाने के लिए मोटिवेट करिए। पावर लेग से जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला जो चीज है, वो है हमारे टीम के अंदर एक कल्चर। मैंने नोटिस किया है बहुत सारे लोग पावर लेग के साथ आ जाते हैं, कंपनी के साथ काम स्टार्ट कर लेते हैं, एक टाइम के बाद उनको ये लगता है कि ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। सपोज आपके पास एक बहुत बड़ी टीम आपको मिल गई, और उस टीम के अंदर आपको लगता है कि ऑटोमेटिक टीम है, काम तो वैसे ही ऑटोमेटिक करेगी, और आप बेफिक्र होके आप दूसरे साइड में काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी गैर मौजूदगी में हो सकता है कि आपकी लीडरशिप अच्छी है, आपको लग सकता है कि हाँ जी मेरे बिना भी काम हो जाएगा वहां पे, लेकिन पता चला कि वहां के लोग काम नहीं कर रहे। आपको लग रहा होगा कि काम हो रहा है, बट काम वहां पे नहीं हो रहा होगा, और अचानक से एक दिन आप पीछे मुड़ के देखते हो, तो जो पावर लेग आपको कभी अपलायंस से मिला हुआ था या फिर आपको दिया गया था एज अ गिफ्ट, वो पावर लेग आज कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। हो सकता है कि वो लीडर्स कहीं ना कहीं किसी दूसरी कंपनी में जा चुके हैं, या फिर वो लीडर्स कहीं ना कहीं काम करना बंद कर चुके हैं, बिकॉज आपको लगा कि वो काम हो जाएगा, बट एक्चुअली लगना और होने में बहुत फर्क होता है। एक दूसरी बहुत बड़ा चैलेंज पावर लेग लेने के बाद जो मुझे फील होता है, आपके जो डाउनलाइंस होते हैं उनको कभी इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मुझे जो अपलाइन मेरे ऊपर जो अपलाइन है, जिनको कि ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर बिठा दिया गया, तो उसके मन में कहीं ना कहीं वो खोट होता है कि मतलब मेरे जो ऑटोमेटिक अपलाइन है, जो जिनको बाहर से लाके मेरे ऊपर बिठा दिया गया है, क्योंकि डाउनलाइंस अगर चालाक है उसको कभी ना कभी पता चलेगा कि मेरे ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है, राइट? तो फिर उस दिन वो आपसे जब सवाल करना स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी बरसों की मेहनत उस एक सवाल पे जाके अटक जाए, और वहां पे आप जवाब शायद दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने उस चीज को बनाया नहीं है, आपको मिला था, और कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि फ्री में कोई दूसरा आके उसके ऊपर बैठ जाए। अब आप सोच के देखिए, आप एक लाइन पे खड़े हो, एटीएम के क्यू में खड़े हो, पीछे से कोई इंसान आता है और आपके सामने आके खड़े हो जाता है, क्या आप उसको अलाउ करते हो? आप कहते हो ना कि भाई साहब लाइन लगी हुई है, पीछे चल के खड़े हो जाओ। तो जब एटीएम की लाइन पे लोग पेशेंस नहीं शो कर सकते हैं, तो आप इमेजिन करिए, अगर आपका डाउनलाइन 1 लाख रुपए कमा रहा होगा, आप 2 लाख या 4 लाख रुपए कमा रहे होंगे, तो क्या वो उस चीज को डाइजेस्ट कर पाएगा? आई थिंक वो नहीं कर पाएगा। तो इससे पहले कि मतलब नैया डूबने लगे, राइट, आप इस बात को समझ जाओ कि भले ही मेहनत लगेगी Day 1 पे, लेकिन मेहनत का बनाया हुआ जो अपना गाड़ी होगा वो कभी डूबेगी नहीं। तो इस बात पे मुझे लगता है कि आप लोग को गौर करना चाहिए, और यही कल्चर हमें अपने टीम में भी डेवलप करना चाहिए। मेहनत लगेगी, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और मिली हुई चीजें के ऊपर कभी भरोसा ना करें, क्योंकि वो जैसे आती हैं वैसे चली भी जाती हैं।